स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है और दिल्ली में भी दो दिन से बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में कई जगह सड़कें धस गई हैं। और अधिकांश हिस्सों में दिल्ली के सड़कों पर पानी भरा है। जल भराव के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने कल यानी मंडे को 10 जुलाई को दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में दो दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में सभी स्कूलों को एक दिन के लिए बंद किया जा रहा है। कल सैटरडे था, कल दिल्ली में बारिश होती रही और दिल्ली में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। आज संडे था, आज भी पूरे दिन बारिश होती रही और दिल्ली में जगह जगह जलभराव के कारण जाम लगा रहा। लिहाजा कल एक दिन के लिए अरविंद केजरीवाल ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है।